बासु ने कुछ बोला? देखिए एक तो पहले अपनी बारी का इंतजार करें, और चौधरी साहब मेरी आपसे इल्तिजा है, एक एक करके बात हो ना। मैं कह रहा हूँ कि आपसे इल्तिजा है कि आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। चौधरी साहब मुझे हमारी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है देवेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात जल्दी से खत्म करें, फिर मैं राजकिशोर जी के पास जाऊंगा जल्दी से। जी ऐसा है कि हम लोगों ने दो दशक तक तो इन्हीं से लड़ा जी, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे इतने मुकदमे हुए कि वो दंश आज तक झेल रहे हैं। मेरे ऊपर भी अभी 15 मुकदमे हैं जी। तो ये जमीन पे कहां से हो सकता था? कागज पे ये गठबंधन था, लेकिन था ये ठगबंधन। ये हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं चलने वाला है, और ईमानदारी की बात है कि अगर यादव वोट ना दिए होते तो मायावती एक सीट भी ना पाती। चलिए ये गाजीपुर नहीं जीत पाती, ये जौनपुर नहीं जीत पाती, ऐसी तमाम सीटें हैं कि नहीं जीत पाती। यहाँ उनका वोट ज्यादा, वोट बहुत ज्यादा था। चलिए कुल मिला ये कैसी बात कर रहा है? मायावती को तो धोखा देना शुरू से आता है। चलिए मैं आऊंगा, चौधरी साहब आऊंगा आपके पास। जी अगर एक सीट डला पाती तो क्या क्यों आए थे हमारे यहाँ गठबंधन? चलिए ठीक है चौधरी साहब, नहीं गया था। चलिए ठीक है, हमारे पास समाजवादी पार्टी के लोग खुद आए थे। चलिए राजकिशोर जी कौन गया गठबंधन कर रहे हैं? अरे वो राजकिशोर जी से पूछिए क्यों गए थे गठबंधन के लिए। भाई चौधरी साहब थोड़ा संयम रखेंगे, देवेंद्र सिंह जी जिससे सवाल पूछा जाए वो जवाब दें। आप अच्छी खासी बहस किस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो? आप अकेले जी से पूछिए। ठीक है चलिए राजकिशोर जी, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, चौधरी साहब कृपा करके मतलब गरिमा बनाए रखें। आप लोगों ने तो वाकई आज इतना मुझे चिल्ला दिया जितना आज तक मैं नहीं बोला हूँ इस पूरी डिबेट में। गजब कर रहे हैं आप लोग, आप लोग पढ़े लिखे जहीन लोग हैं, ये सब आपको शोभा देता है क्या? बारी बारी से करें। जब ये बोल रहे थे तो हम लोग जी बिल्कुल, चौधरी साहब मेरी आपसे इल्तिजा है, बारी बारी से चाहिए इनकी बात। ठीक है ठीक है राजकिशोर जी, मैं शब्द बड़े अदब से हैं। चलिए कोई बात नहीं, शब्द सही समय पर भी इस्तेमाल हुए चौधरी साहब, अदब से हो अलग बात है। राजकिशोर जी ये जो बात है, जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस समय आप हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में बैठे हुए थे, और हम जो चर्चा कर रहे थे कि जिस समय समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती थी उस समय वो 30 से ज़्यादा सीटें ले आती थी, 40 के करीब पहुंचती थी, बाद में भी वो 30 के करीब सीटें ले आती थी। गठबंधन के बाद भी परिवार को अगर छोड़ दें, परिवार भी चुनाव हार गया, डिंपल भी हार गई, धर्मेंद्र भी हार गए, सब हार गए, उसके बाद भी नुकसान मायावती का और अखिलेश को फायदा, क्या कहेंगे? ये जो पूरा राजनीतिक समीकरण है, जो परिदृश्य है, इसके बारे में आपकी टिप्पणी। देखिए ऐसा है राजकिशोर जी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बयान देना, एक अलग चीज़ है। समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसके पीछे हर कोई जानता है सिर्फ जाति गणित था जी। और ये जोड़ा गया था, सपा और बसपा के सभी लोग ये कहते थे हम तो किसी भी सीट पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख से शुरुआत ही कर रहे हैं जी। और निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपसे पहले भी डिबेट में कहा था कि 35 सीटें ऐसी थी जहां सपा और बसपा का 2014 को वोट मिला देने पर बीजेपी सांसद को मिले वोट से ज़्यादा होता था, लेकिन इस इलेक्शन ने पूरा डायमेंशन ही चेंज कर दिया। इसमें जातियां जो जात के आधार पर चुनाव होता था वो टूट गई। ये जो सपा बसपा की जितनी सीटें मिली हैं इसमें बड़ा फैक्टर है कि दलितों का वोट भी बीजेपी को गया है, यादवों का वोट भी बीजेपी को गया है, और कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति बनी जैसे दलित और माइनॉरिटी इकट्ठा हो गया तो बसपा की सीटें बढ़ गई, कहीं यादव को वोट नहीं मिले तो खुद समाजवादी पार्टी हार गई। अब जो बात अभी आपने शुरू में कही थी, मुझे ऐसा लगता है यादवों का वोट तो गया अपनी जगह, लेकिन दलितों का वोट 20-22%, 18% मुसलमानों का वोट, और ये टेस्ट जो बसपा के पक्ष में चला गया है, मुझे ऐसा लगता है मायावती जी इस प्रयोग को फिर से आगे बढ़ाना चाहती हैं कि हो सकता है ये कास्ट कॉम्बिनेशन हमको आगे फायदा करे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का चुनाव अब की बार हुआ है जिसमें जातियां टूटी हैं, जरूरी नहीं कि ये प्रयोग फिर सफल हो। तो अभी तात्कालिक तौर पर यह दिख रहा है जिसको आपने शुरू में कहा भी था कि ये तात्कालिक तौर पर दलित और मुसलमान वोट को इकट्ठा करने का, जैसा उन्होंने कल मीटिंग में भी कहा है कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद मिस्टर दानिश अली और सतीश मिश्रा जी को कहा है फील्ड पे उतर जाइए, एक बार वो प्रयोग उसको फिर से करना चाहते हैं। कितना सफल होगा कितना नहीं सफल होगा ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है मैं संजय जी आऊंगा, संजय जी मैं राजकिशोर जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी जल्दी केवल एक 30 सेकंड जी बताइए। देखिए एक बात, इस 19 के चुनाव ने एक चीज सिद्ध किया है,
कि जातीय राजनीति अब नहीं होगी, अब परफॉर्मेंस की राजनीति होगी, अब गरीबों की बात करने से वोट नहीं मिलेगा, गरीबों का काम करने से वोट मिलेगा। और मोदी जी गरीबों का काम कर रहे हैं और तेजी से करेंगे इस सरकार के बनने के बाद, इसलिए अब जाति राजनीति के पर ताला बंद होने वाला है, उनके पॉलिटिकल कार्यालयों पर ताला बंद होने वाला है। सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा।